हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव मतगणना की रिहर्सल पाल स्कूल के मतगणना केंद्र पर आयोजित हुआ। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार सोनी मौजूद रहे। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव की मतगणना 13 जुलाई को 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना केंद्र पर 14 टेबल पर कर्मचारी मतों की गणना करेंगे। 13 जुलाई को सुबह 8 बजे एज पर जो हमारा शेड्यूल है काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारा जो है जो हॉल है काउंटिंग हॉल है उसमें 14 टेबल है टोटल, जिसमें 11 पे ईवीएम की काउंटिंग होगी और 3 टेबल ऐसे हैं जहाँ पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। तो एज़ पर ईसीआई इंस्ट्रक्शंस इसमें 8 बजे जो है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे और आधा घंटा वेट करने के बाद 8:30 जो है पैरेलली जो है ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। टोटल हमारे 94 पोलिंग स्टेशन है जिसमें 8 कंप्लीट राउंड होंगे और लास्ट राउंड 9वां राउंड जो होगा उसमें 6 पोलिंग स्टेशन होंगे। तो बाकी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तीन कॉर्डन हैं हमारे वो लग चुके हैं, जिसमें आउटर कॉर्डन में जो है वो हमारे पास स्टेट पुलिस है, इनर कॉर्डन में स्टेट आर्म्ड पुलिस है और जो काउंटिंग सेंटर के बाहर या स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर होंगे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज ITBP के अंडर वो डायरेक्टली। रिहर्सल में हमारे पास जितनी भी कल जो व्यवस्था रहेगी जो लेआउट रहेगा उसके बारे में कर्मचारियों को अधिकारियों को बता दिया गया है और टाइमली जो है काउंटिंग शुरू हो और फ्री एंड फेयर एंड एक्यूरेट जो है कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट हो, बस उसके लिए हम जो है अच्छे से रिहर्सल आज करवा दी गई है और होपफुली जो है अच्छे से सब कुछ कल रिजल्ट आ जाएंगे। वही सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गणना होगी और 8:30 बजे ईवीएम की गणना होगी। 94 मतदान केंद्रों के मतों की गणना 8 राउंड में होगी और फाइनल 9वें राउंड में नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।